गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, आई एम अहमद सर, योर साइंस टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट। लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू ऑल नो, हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। लिविंग ऑर्गेनिज्म it means both plant and animal. You look a scene of village where number of human being, male female, cow, dog, hen and number of plants, long big tree, grasses, all live in this place. So this village is the place, is the habitat of all these living organisms. Clear? So the first topic, page number 61, left hand side, habitat. Habitat is the place where an organism normally lives. This village is not the habitat of camel. Clear? This village is not the habitat of fish. It means there are number of habitat on the basis of organism. Clear? So in right hand side you see different habitats in your surrounding, that is a pond, a desert, a forest, a mountain, a plain. We live on plain. Pond is the habitat of aquatic animal. Desert is the habitat of camel, cactus, clear, and many other desert animal. Forest is the habitat of number of wild plant and number of wild animal. Mountain, वैसे ही mountain है, plain है. Now come to next page, page number 62. There are different types of organism live in different area. Here it is Siberian ibex, Himalayan snow leopard. ये leopard जो है, Himalayan snow leopard जो है, वो आपके इस हमारे इस फॉरेस्ट में नहीं रह सकता, वो स्नो में ही रह सकता है. ठीक है, पेज नंबर 62, राइट हैंड साइड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट के बेसिस पर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने डिवाइड किया है. टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, सबसे पहले प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मीन्स द प्लांट विच लिव इन एंड अराउंड वाटर. एग्जाम्पल है वाटर लिली, वाटर फ्लोटिंग हाइसिंथ, वाटर चेस्टनट, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. मेसोफाइट्स, दोज प्लांट विच लिव इन एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड एरिया में नहीं रहते, नॉर्मल एरिया में रहते हैं. मीन्स जैसे हम लोग रहते हैं नॉर्मल लैंड पर. और जीरोफिटिक का मतलब होता है डेजर्ट, वो प्लांट जो डेजर्ट में रहते हैं. इनमें एग्जांपल है कैक्टस, बबूल. ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ये नेक्स्ट टाइम. ठीक है, अब तक अभी हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, इनमें हम लोगों ने पढ़ा प्लांट. फिर हम लोग पढ़ेंगे एनिमल, डिफरेंट एनिमल डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं. क्लियर, यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स.